हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का रोहित पाल ब्लॉग्स में स्वागत है। देखिए जी, अभी सुबह का टाइम हुआ है, 7:30 बज चुके हैं। कल जो है अनिका के पापा रात के टाइम जा चुके थे कावड़ में, जो हमारे यहाँ से डाक कावड़ गई है। और यहाँ पे देखिए कन्नू की और अनिका की लड़ाई बज रही है। ये अनिका का लैपटॉप है ना, जो ये कन्नू ले रहा है, बोल रहा है कि मुझे दे दो, और ये बोल रही कि मुझे दो। अब बताओ कहाँ से लेके आया इसके लिए। हाँ तो बड़ा लैपटॉप लोगे ना, दे दो इसे, छोटा छोटा है तो बंदा चलता भी नहीं है। पापा बड़े वाला बना के, खराब वाला है। तेरे पापा तो अच्छा बना है लैपटॉप। इसके पापा तो नया नया लैपटॉप बना हुआ है, अच्छा बनवाते हैं इसके पापा। अरनिका भी दे दो चलो। और यहाँ पे दीदी ले क्या खा रहे हैं, अमरूद। सुबह सुबह अमरूद खा रहे हैं, वैसे सही है सेहत के लिए अमरूद खाना बहुत अच्छी बात है। और देखिए लैपटॉप मिलते हैं, कितनी खुश हो गई। ये यो बड़े वाला क्या है, अमरूद है। ये ताई जी के यहाँ से आए हैं। अच्छा तो ताई जी ने भिजवाए हैं कि कन्नू खा लेगा, कन्नू के लिए आए थे। कौन सी ताई जी के दाए, ये पढ़ने वाली ताई जी के से यहाँ आए। अच्छा अच्छा अच्छा, जो पड़ोस में ताई जी आई मैं देख गई, क्योंकि हमारे पेड़ पे ना अभी इतने पके नहीं, देखो काफी सारे हैं, एक दो खा भी लिया इसमें से। और जी मौसम जो है बहुत अच्छा हो रखा है फिलहाल भी, तो चलिए अभी बन रही है हमारी वीडियो में, तो अभी अपना नाश्ता पानी बनाते हैं चाय वाय। तो देखिएगा इस यहाँ पे जो है अभी बेडशीट वगैरह सेट हो चुकी है, ये देखिए बहुत गंदा हो रखा था यहाँ पे। और ये चारपाई है, ये हम नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि इस पे अनिका का बिस्तर लगा के अब उसे सुलाएंगे, उसे आ रही है नींद। तो सोफे भी इधर सेट हो चुके हैं, यानी सोफे कवर, अभी बस झाड़ू पोछा रह गया है। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोछा लगाऊंगी। कुछ काम दीदी कर रही है, मतलब कि कपड़ा वपड़ा मारने का, ज़्यादा हैवी तो कुछ काम नहीं। और जी पोछा वोछा मैं लगा दूंगी, क्योंकि बैठ के लगाया जाता है ना वो। और जी चलिए अभी अपना काम कर लेते हैं झाड़ू पोछे का। तो अभी जो है हम पहुंच चुके हैं मंगलोर, और रुड़की है यहाँ से, कितने किलोमीटर है भाई रुड़की यहाँ से, 41 2041 तो मुझे लगे, और यहाँ पहुंच चुके हैं भोले, जो है भोले ही भोले है भाई। भोले ही भोले, एक साइड में चल रहा है, एक साइड में वो रास्ता चल रहा है, इधर से जाने जाने का चल रहा है, उधर से आने आने का। और ये हालत है यहाँ पे सभी की, गाड़ी जो है साइड में लगा दी है, और यहाँ पे जो है सभी लेटे हुए हैं आराम से, पर मारे सब आराम फिलहाल तो। और दिखाते हैं आपको सुबह जाके, सुबह के तो 3 बज लिए वैसे तो, अगर सुबह पहुँच जाके तो दिखाएंगे आपको वहाँ से हर की पैड़ी, और नहाएंगे वहीं पे। अभी जो है सुबह के 6 बज चुके हैं, और हम चले थे रात के 12 बजे गांव से, और अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे मंगलोर से आगे, रुड़की से पीछे। और पैदल यात्री जो है, पैदल भोले जो है चल रहे हैं आराम से, और डीजे वीजे फुल है, और सारे काम बेहतरीन हो रहे हैं, लाजवाब। ये देखिए डीजे बाइक फटर 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 फुल आवाज़ में है सब कुछ। एक रास्ता चल रहा है उधर से आने का, एक रास्ता चल रहा है इधर से जाने का, भाई चारों तरफ डीजे ही डीजे है भाई। और हम खड़े हैं यहाँ से भाई, डीजे डाजे तैयार करवा रहे हैं, फिर बंद कर दिया था, उसके तार तूर लगवा रहे हैं। लगा पड़ा भाई यहाँ से, ये कोलम रात उतार के रख दिए थे, ये फाटक में अटके थे, तो इसने नीचे उतार के रखा था, अब जो है ये रख दिया है ऊपर, फिर से चले गए अब। और सभी को नज़ारा है, ये वाला हाल है, सब सो रहे आराम से, मगर हम नहीं सोए जरा से भी। तू नहीं सोया है तो भी सोया 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 भाई सोया सोया। अब चले गए हरिद्वार, हरिद्वार है यहाँ से 30 किलोमीटर,
30 किलोमीटर हरिद्वार रह गया है और भीड़ जो है काफी है, बहुत ज्यादा भीड़ है, देख दिख रही है वैसे तो। देखिए गाइस, आज हम आ चुके हैं चाची जी के घर, जो सामने हम बताते हैं ना आपको वंशी का दीदी, तो उनके घर आ चुके हैं और आज है मेरे देवर का बर्थडे, और तो इनसे मिले बर्थडे बॉय से। ये देखिए हर्ष का बर्थडे है और मैं बताती रहती हूँ आपको कि अर्णिका उनके पास खेलने के लिए जा रही, तो यहाँ पे आती है रोज खेलने के लिए। ये देखिए, ये वंशी का दीदी है और ये हर्ष भैया, और जी कन्नू भी मेरे साथ आया हुआ है। चाची अभी जो है तैयारी कर रही है और आज हर्ष के बर्थडे में बनाएंगे हम भटूरे और छोले। तो बोल रहा था कि इसने बोल रहा था मुझे कि भाभी जब भी मेरा बर्थडे आएगा तो आप छोले भटूरे बनाना और उसमें मुझे खिलाना, आप जो है ठीक ठाक से छोले भटूरे बना देते हो, ज्यादा तो अच्छे नहीं बनाते, भैया कि ठीक ठाक से बना दो, तो इसे मेरे हाथों के बने अच्छे लगे थे। तो आप अभी जो है हम तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए मैदा है और जो सामान है ये रखा, तो हम यहाँ पे पंखा चल रहा है तो सोचा यहीं पे बैठ के इसका जो आटा है वो बना लिया जाए और बस थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए। टाइम क्या हो गया, टाइम हो चुका है 3:30, तो जी फिर गर्मी हो जाएगी शाम के टाइम ज़्यादा, तो अभी से तैयारी करते हैं, पहले आटा बना के रख देंगे जो भटूरों का होगा और फिर बस सब्जी वगैरह बना लेंगे। तो अभी तो ऐसे ही अभी आ चुके अर्णिका भी, अभी यहाँ देखिए अर्णिका कहाँ पे आ गए, बुआ जी यार के घर आज तो मम्मी के साथ आ गए। और क्या खाओगे, छोले भटूरे खाओगे, भटूरे खाओगे सच्ची मुच्ची, और जी इनके साथ बहुत ज्यादा खेल ले आया। तो देखे गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ भटूरों का आटा और मैंने इसमें लिया सूजी है, दही है, नमक है, सोडा है और जी गुनगुने पानी से मैंने इसका आटा बनाया था। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है इसमें, जिससे कि ये आटा अच्छा बन जाए। और भटूरों का आटा इस तरीके से बनाएंगे ना आप तो बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बनाया है, वैसे मैंने जब भी बनाए हैं अच्छे ही बने हैं, लेकिन आज भी देखते हैं कैसे बनेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं भी आटे को बना के रख दूंगी और फिर इसे 2-3 घंटे के लिए रख देते हैं रेस्ट करने के लिए, जिससे कि इसमें अच्छे तरीके से खमीर उठ जाए और दही भी डाल देते हैं इसमें। तो देखिएगा इस यहाँ पे भटूरों का आटा बन चुका है, अच्छा बन गया, और जिसे मैं पन्नी में पैक करके और इस कटोरदान में बिल्कुल ढक्कन बंद करके रख दूंगी, तो 2-3 घंटे तक के लिए, और इसमें अच्छी तरीके से खमीर उठ जाएगा, और फिर जब भटूरे बनाएंगे जब भी दिखाएंगे आपको कि कैसे बने हैं। तो देखिए गाइस, हम आपको एक चीज और दिखा देते हैं, यहाँ पे ये है हर्ष भैया और वंशिका दीदी के, जो इन्होंने अपनी क्लास में सबसे फर्स्ट आके जीते थे, बहुत सारे हैं ये, 4 तो ये हैं, एक अलमारी में रखा, एक सबसे ऊपर रखा, तो 6 हैं जी। और चाची बोल रही कि 2-3 बच्चों ने तोड़ भी दिए। अर्णिका बेटा क्यों रो रहे हैं आप, बेटा बब्बो को भी खिला लो, खिलाइए इसे, अर्णिका को भी खिला लो, छोटी बहन नहीं आपकी यहाँ। और जी टूटे फूटे हैं पड़े जी देखो, ऊपर चाची ने ना सिंगवा के रख रखे, क्योंकि बच्चों की मेहनत है ये, और ये खरीदने जाते हैं, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं ये चीजें, वो है जो लो बेटा इसे भी रखो आराम से रखो है। तो अर्णिका यहाँ पे ऐसे लेट जाती है आके जैसे अपने घर में बेड पे उल्टी सीधी चादर कर दिया, और जब हम आए थे चादर बिल्कुल फिट फोर थी और इन्होंने दोनों बहन भाइयों ने खराब कर दी। गाइस देखिए, यहाँ पे जो है अर्णिका आकर इतना रिलैक्स फील करती है बहुत ज्यादा, ये देखिए छींक भी आ गई से और जी खेल रही आगे, और ये इसने खाया है घेवर अभी, तो घेवर खाने के बाद थोड़ा सा कन्नू खा के गया है, थोड़ा सा इसने खाया, तो जी अभी कुछ बाकी रह गया इसमें जो इन्हें दिया था चाची जी ने, और अभी ये खेल रही है। तो अभी हम चलते हैं घर के लिए, रवाना होते हैं यहाँ से, फिर आएंगे दोबारा से जब बर्थडे सेलिब्रेशन होगा ना, तो जब आएंगे तो अभी घर चलते हैं। अभी तो भटूरों का आटा था जो बना के रख दिया है, और जी फिर क्योंकि 2-3 घंटे रखना पड़ता है ना, खमीर उठता है उसमें। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो है हर्ष के बर्थडे की हो चुकी है तैयारी, तो यहाँ पे लगा दिए हैं देसी भाषा में गुब्बारे और इस वाले कमरे में थोड़ी डेकोरेशन की जाएगी, थोड़े से सामने लगा दिए हैं, सिंपल सा ही कर रहे हैं लेकिन अच्छा है, जितना सिंपल हो उतना ही अच्छा है। और यह है कैप सागर भैया की, तो
तो इसे उड़ा के देखते हैं अर्निका को। अर्निका अर्निका क्या पढ़ो? उड़ो बेटा। ओ भाई फौजी बन गया, देखो देखो सामने। और इसे यह कैप तो उड़ती ही नहीं। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है मुझे कैप अच्छी लगी है, सागर भैया की है, क्योंकि हमारे जो देवर है ना वे आर्मी में है, तो कैप दिखी मुझे, मैंने सोचा कि मैं भी उड़ कर देख लेती हूँ। और जो ये फौजी होते हैं ना, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ कोई भी हो, तो ये देखो कितनी अच्छी लग रही। और अर्निका ने तो उड़ के नहीं देखी, तो मैंने उड़ के देख ली, मुझे बहुत अच्छी लगी एकदम से। तो चलिए जी अभी अपना जो है काम कर लेते हैं, वो भटूरे वगैरह सेक लेते हैं, सब्जी वगैरह जो थी चाची ने बना दी है, और अभी बस सेकने सेकने रह गए, फिर अपना बर्थडे की तैयारी चल रही है। तो केक वेक भी शायद आया नहीं अभी तक, आ गया केक तो आ गया, फ्रिज में रखा है। तो चलिए जी अभी अपना काम करते हैं, पहले बातें बाद में करेंगे वरना। तो देखिए गाइस यहाँ पे कितना अच्छा मौसम हो चुका है अभी, और भगवान ना मेरा पूरा पूरा साथ दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे वरना धूप हो जाती है चाची का भी, तो बादल हो गया बहुत अच्छे वाला एकदम से। और यहाँ पे चाची जी ने लगाए हुए हैं पौधे, ये एलोवेरा है, ये तुलसी का पौधा है, और जी ये भी फूल है, इसे ना वो बोल रहे हैं ना शायद, पता नहीं जिसे, तो ये गणेश जी का पेड़ है, इस वाले को ना हमारे यहाँ पे गणेश जी का पौधा बोलते हैं पेड़, और ये भी तुलसी शायद है, ये भी दूसरे तरह की तुलसी है, ये तो दो तीन प्रकार की है ना, दो तीन प्रकार। हाँ हाँ ये वाला पता नहीं इसका, तो मुझे भी नहीं। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है अभी छोले भटूरे की हो चुकी है तैयारी, कुछ मैंने बना दिया, दो बनाए सिर्फ, ये देखिए ऐसे बने हैं, और जी कुछ में बनाने लग रही, और चूल्हे पे इसलिए बना रहे क्योंकि गर्मी हो रही ना किचन में ज्यादा अंदर, और यहाँ पे खुला खुला भी रहेगा, तो अभी और बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए जी अभी पहले से बेल लेते हैं, और कढ़ाई भी बहुत अच्छी हो चुकी है फिलहाल, और मैं से ना हाथ से बनाने चकले बेलन से बनाऊ, और इस तरीके से बस बना के डाल दू उसमें, हाथ से बनाने तो ये देखिए यहाँ पे भटूरे फूलने लगे, अच्छे वाले एकदम से, मार्केट वाले से अच्छे आए, क्योंकि ये अपने खुद के हाथों से बनाए ना, तो इस वजह से मार्केट से अच्छे है, लाल लाल से हो गए, अगर तो व्हाइट व्हाइट से रखेंगे तो अच्छे लगेंगे, जैसे कच्चे लाल लाल से हो गए अच्छे लगे। जी अभी ये हो गए भटूरे बन के तैयार, तो सभी बना लेंगे अभी, सारे तो नहीं दिखाएंगे आपको, तो चलिए भी बने रहिए वीडियो में, आगे आपको बहुत सारे सेलिब्रेशन दिखाएंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है केक आ चुका है, और काफ़ी टाइम पहले आया था लेकिन फ्रिज में रखा था अभी, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा, वाइट रेड येलो, और जी हैप्पी बर्थडे। चलिए जी अभी केक कटिंग की तैयारी करते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो केक कट चुका है, और देखिए यहाँ पे बच्चे जो बालून से में सारे हैं, और काफी सारे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए जी कुछ खाने की तैयारी हो चुकी है, और कुछ रह गया है बाकी, अभी सभी को खाना सर्व कर देते हैं। तो रात के 9 बज चुके हैं, और हम चाची जी के उधर से आ चुके थे, वैसे खाना वाना हम खा के आए थे, और दीदी का खाना हम यहीं पे लेके आ गए थे, क्योंकि ये नहीं गई थी वहाँ पे, लेट हो गया था ना काफी, और मम्मी गई थी, मैं गई थी वहाँ पे। तो और जी भटूरे जो है आपको दिखाए हैं पहले कैसे बने हैं, कमेंट करके जरूर बताना आप, और कन्नू भी जो है आज भटूरा खा के आया है ना, बता कितने भटूरे खा के आया बेटा, और जी मेरे साथ खा के आया, ये बोल रहा है ना कुछ नहीं खाते अपने हाथ से खिला, वैसे आज बनने से बिठा के वही खिलाया, और खा के आया खुद खाए, और जी खुद पानी पिया ना, मिर्च लगी इसे देखो, मिर्च नहीं लगी इसे, आप मिर्च नहीं खिलाते ना, ऐसा तो मिर्च नहीं लगी इसे देखो आज, मिर्च तो नहीं लगी बेटा सब्जी में,
हल्की सी लगी, पानी पी के होगा ठीक है। इतने ना सूसू गए, इसने कहा कि पानी दे दो बस मुझे। और जी इसे थोड़ी बहुत ही मिर्च हम सोच रहे कि खिलाने पड़ेगी इसे, क्योंकि बच्चा है ना बड़ा होता जा रहा, और बिना मिर्च की सब्जी तो इसे बिल्कुल ही तेरे एकदम से अजीब लगेगी, है ना बेटा? क्या कह रहे? बोल क्या, बताओ बताओ क्या करनी। कुछ कह रहा था, कुछ नहीं, पानी नहीं, मम्मी बहुत सारी दही थी वहाँ पे, दही थी, और जिसने मट्ठा भी पिया वहाँ पे, मट्ठे में भी मिर्च थी। बाबू ऐसे तो बात है ही नहीं, चाची यार तो चटपटा खाया हमारे से भी ज्यादा। तो चलिए गाइस हम अपनी वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, और अनिका पीछे सो गई है पर आज थोड़ा सा रोइया तो इसे, क्योंकि वहाँ पे अजीब सा लग रहा था, बच्चे काफी सारे थे, मम्मी लेके आ गई थी। तो जी हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको मेरे कहते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।